मैं बाहर जा रहा हूँ। पर क्यों? देखो, मैं घर में बैठकर फोन के बजने का इंतजार नहीं कर सकता, जबकि वो डरी हुई होगी। और मुझे यहाँ घर में अकेले बैठे रहना चाहिए? पुलिस की नजर है हमारे घर पर। मेरा ये मतलब नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखना। अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, कमिंग कमिंग, या स्ट्रीट नंबर 16। स्ट्रीट नंबर 16 पर जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुको, जाम लग गया। अच्छा होगा कि तुम फोन आने तक यही रहो। क्या तुम्हें कहीं जाकर मेरी बेटी को नहीं ढूंढना चाहिए? हमसे जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं, और मैं भी। पॉल, आई एम सो सॉरी। एलेनोर, प्लीज, मुझे तुम्हारे बेटे से बात करनी है। वाह, ये अवार्ड तो देखो। जब मैंने मैरी के साथ डेटिंग शुरू की, मैं 17 साल का था। कैथलिन की मां का नाम था मैरी। तुम 17 साल के हो ना? हाँ। मुझे याद है एक बार हम डेटिंग के लिए बीच पर गए थे। गर्मी थी, बहुत गर्मी। तुम्हें पता है, उस वक्त वहां एक आदमी बीच पर टहलता हुआ आया और उसने मैरी को बुरा भला कहा। उसने बहुत बुरा किया ना? मेरा मतलब एक अच्छी आयरिश कैथलिक लड़की को बुरा भला कहना, जबकि मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज था। सभी मर्द यही करते हैं। तो मैंने अपनी कार की डिक्की से एक रॉड निकाला और उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। डरो मत, अब मैं वैसा नहीं रहा, मैं अब बदल गया हूं। देखो, उसके बाद मैरी बीमार पड़ी। उसे स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर था। कसम से उसके बाद मैं सुधर गया हूं, पर हमेशा ये चाहता हूं कि कैथलिन का मैं अच्छे से ख्याल रखूं। उनके पास बंदूकें थी। तो तुम उससे बचाने के लिए सीने पर गोली खा लेते। अब तुम ठंडे दिमाग से सोचो, वो लोग कैसे थे। क्या? वो किडनैपर्स, उनके बोलने का लहजा, क्या वो सुनने में रशियन जैसा था? प्यूर्टोरिकन? क्या उन्होंने कुछ गालियां दी, जैसे कि गुम्बालीज? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ओके, तो फिर उनकी गंध कैसी थी? स्पाइसी फूड, ज्यादा परफ्यूम? कम ऑन माइकी, तुम्हें कुछ तो बताना होगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें उसका जिम्मेदार मानूंगा। मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब इतने जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। I'm sorry. अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल कर देना, समझ गए? जी सर। मैं बोल रहा हूं, मुझे मदद चाहिए। मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल सकते हो? हमें दुख है,
जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ लेंगे पॉल, तुम भरोसा रखो। मुझे पता है तुम अभी भी ओकॉनल के साथ हो, राइट? हाँ। तुम्हें याद है मैं उस वक्त भी निकलना चाहता था, लेकिन मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इसलिए चुप रहा। मुझे भरोसे वाले लोग चाहिए। पुलिस मुझ पर बहुत कड़ी नजर रख रही है, तो मैं समझता हूं अगर तुम इसमें नहीं पढ़ना चाहो तो। लेकिन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तुम क्या चाहते हो? मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं वो किसके पास है। और वो मर गए, लेकिन पॉल उन्होंने सोचा भी नहीं होगा ऐसा। ये 2 लाख हैं, उसे किसी भी कीमत पर ढूंढो, मैं और दे दूंगा। पैसों की फिक्र मत करो, ओके? हमें पैसे नहीं चाहिए, हम एक परिवार की तरह हैं। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है पॉल। क्या लगता है ये क्यों हुआ? मुझे नहीं पता। ये खतरनाक खेल है, इसे कितना आगे ले जाना चाहते हो? मैं मरते दम तक खेलूंगा। मुझे पता है कहां जाना है।